देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 3 स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। वहीं 2 स्कूलों ने समय से पहले छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और इस बारे में बच्चों के घर वालों को सलाह भी जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि करने के बाद नोएडा के 2 स्कूलों ने स्कूल के बंद रहने की खबर दी थी। इनमें से एक स्कूल वो है जिसमें एक बच्चे के पिता के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्कूल ने 4 से 6 मार्च तक कैंपस को संक्रमण मुक्त रखने के लिए स्कूल को बंद रखने का ऐलान किया था। दिल्ली के एक स्कूल ने गुरुवार से बंद रहने का ऐलान किया। वहीं गुड़गांव में उसकी 2 ब्रांचेस ने कहा कि उसकी समय से पहले छुट्टियां शनिवार से ही शुरू हो जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की शाखाओं में कक्षाओं को संक्रमण मुक्त रखने के लिए धुआं भी छोड़ा गया। पुष्प विहार की प्रिंसिपल अमिता मोहन ने कहा कि हमने स्कूल परिसर को संक्रमण मुक्त किया है और कक्षाओं को संक्रमण मुक्त करने के लिए धुआं छोड़ा गया है। स्कूल का कहना है कि जरूरत पड़ने पर छुट्टियों की घोषणा भी कर सकते हैं। छात्रा और अभिभावक घबराएं नहीं, लेकिन एहतियाती कदम उठाएं। हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल गुड़गांव के प्रिंसिपल नीना कौल ने कहा कि हमने संदिग्ध संक्रमण के मामलों में लोगों को अलग रखने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है और हमारे डॉक्टरों की टीम कोरोना वायरस के लक्षणों को पहचानने और संदिग्ध मामलों में जरूरी कदम उठाने के लिए ट्रेंड है। स्कूल ने अभिभावकों से कहा है कि वह बच्चों के बीमार होने, विशेषकर बुखार होने पर उन्हें स्कूल ना भेजें। दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय ने बच्चों के घर वालों से कहा कि वे अपने परिवार या रिश्तेदारों में से किसी को भी खांसी या जुकाम होने की जानकारी स्कूल प्रशासन को दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के मरीज के संपर्क में आने वाले 88 लोगों की जांच के सभी प्रयास जारी हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 28 पुष्ट मामले सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे पहले 12 देशों के यात्रियों की ही स्क्रीनिंग की जा रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।